अगोड़ा फोर्ट से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे, बीच देखने के लिए, क्योंकि एक तो जो बागा बीच था वो हम लोग देख चुके हैं, एक कैलनकट्टा बीच था, एक हमने वो देखा। अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब थर्ड बीच देखने के लिए। पहले हमने अगोड़ा फोर्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर दी थी। और पार्किंग के भी ना हर जगह अलग अलग प्राइस थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम, और उसके बाद हम लोग निकल गए बीच पे। और बीच पे जाने के बाद बाई गोड जो मन लगता है ना, आए हाय स्वाद ही आ जावे, मतलब मज़ा ही आ जाता है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अभी हम लोग गए थे जिस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक था मामला, आप लोग देख भी लो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बहुत कम फैमिलीज आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा कम कपल्स आए हुए थे। बट जो भी है यार, इन्जॉय हमने पूरा किया। और पानी की वेव्स, बाय गॉड, मुझे कि समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा ड्रीम है गोवा गोवा गोवा, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बट वही चीज़ यार कि सब लोग की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। और यहाँ पे ना जो वे होते हैं क्रैब्स थे, केकड़े थे, अभी मैं यहाँ पे पैर रख के बैठी थी नीचे, और बहुत सारे केकड़े थे, तो मैं उन्हें देख के डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग उठे और फिर हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे। फिर आगे गए हम लोग, थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट किया, एंजॉय किया मोमेंट को। और जैसे जैसे ये बीच का पानी हमारे पैरों को टच करता है ना यार, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। और बीच से निकलने के बाद मैंने कराई फ़िश फूड स्पा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यार, सच में बहुत सारी जगह पे ऐसे फ़िश फूड स्पा थे, तो मेरा मन था कि मैं भी कराऊँ। 100 रुपीज़ में हो रही थी आधे घंटे के लिए, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी करा लेती हूँ। और मैं कराने तो लगी, बाय गॉड ये फ़िश मेरे पैरों में से कांटों की तरह चुभ रही थी। फिर 10 से 15 मिनट में जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ था। उसके बाद फ़िश फूड स्पा कराने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने फोर्थ बीच की तरफ, जो कि हमारा लास्ट बीच था। वैसे गोवा में काफ़ी सारे बीच है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम लोग सिर्फ वन नाइट के लिए ही आए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग अपने फोर्थ बीच पे आए थे। ये हमारा मतलब लास्ट ही था, क्योंकि हमारे गोवा से बेंगलोर जाने में भी 3.5 घंटे बचे थे बस। फिर हम लोगों ने वही सेम अपनी स्कूटी पार्क की, और आगे की आप जो पार्किंग देख रहे हैं ना, वहाँ पे था 60 रुपीज़ प्राइस, और जो पीछे की थी वहाँ था 40 रुपीज़ प्राइस। यार बताओ, एक ही जगह के दो मतलब पार्किंग के प्राइस ऐसा थोड़ी होता है। और मतलब यहाँ की क्या बात है कि ये लोग ना चेक भी नहीं करते लास्ट टाइम पर, कि आप जो आपको स्लिप मिलती है ना, वो फिर बाद में देखते भी नहीं है कि अपनी स्कूटी लेके जा रहे हैं किसी और की, ऐसा प्रोसेस। तो एटलीस्ट यार चेक तो करना चाहिए ना। फिर उसके बाद ये थे बीच के ऊपर ऐसे एक फोर्ट सा बना हुआ था, और साइड में बीच था, और बाय गॉड यार क्या ही व्यू था। पता है हमारा मन था कि हम लोग पानी में जाए, लेकिन फिर वही था कि हमें हम लोग को वापस भी जाना, तो अगर बीच पे जाते तो पूरा फिर रेत रेत हो जाता, फिर वापस से हमें नहाना पड़ता। और ताकि हमारे पास हमारा रूम था नहीं, क्योंकि हमने 12 बजे चेकआउट कर दिया था। तो बस वही चीज़ थी। और ये पानी की वेव्स आ रही थी, बाय गॉड ये ऐसे टकरा रही थी ना, और ऊपर आ रही थी, आप लोग देख लो पूरे। अरे यार सीधा निकल के जा। इनको पूछो, 3 मीटर और होंगे। ओके
इसीलिए तो मैंने बोला ना कि आ रही हूँ। आई थिंक आएगी आएगी रजत आएगी आएगी थोड़ी सी आएगी ना वो वाली देखते हैं आएगी तो दो तीन मिनट के अंदर आएगी आएगी इधर की साइड सबसे ज्यादा आ रही है इधर गिर मजे पीछे कब आएगी ये आएगी आएगी अरे जब ये वाली आएगी 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 पानी नहीं आ रहा यहाँ पे रात को नहीं आ सकते नाइट वाइट आएगा एक खंभा लगा आएगा आएगा सारे बीच में एक लाइट का खंभा लगा दे हाँ फिर भी और बस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी वापस शाम से हम लोगों ने स्कूटी ली थी वहाँ पे हम लोग स्कूटी को मतलब दे देंगे उनके स्कूटी हम लोगों ने पहले ही वीडियो वगैरह बना ली थी स्कूटी लेने से पहले तो मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बोलूँगी कहीं भी आप अगर जाते हैं घूमने के लिए तो आप लोग जो स्कूटी लेते हैं या बाइक वगैरह तो आप लोग पहले उसकी वीडियो बना लो क्योंकि स्क्रैच वगैरह होते हैं बिल्कुल नई कंडीशन में होती है फिर बाद में आप लोग ले लेते हैं तो कहीं उस पर पहले से स्क्रैच हो आप लोगों ने नॉट नोटिस किया हो तो वो सामने वाला बंदा वो चीज़ आपके ऊपर डाल देता है कि नहीं भाई मैंने तुझे एकदम परफेक्ट नहीं दी थी कहीं स्क्रैचेस नहीं थे तो सबसे अच्छी बात है कि आप पहले स्कूटी की वीडियो वगैरह बनाओ उसके बाद मतलब कि कुछ भी लो आप स्कूटी बाइक वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो एज़ योर विश तो ये चीज़ करनी चाहिए हम लोग तो गए थे भाई हम लोगों ने सबसे पहले वीडियोज़ वगैरह बनाए थे और ये चीज़ सबसे बेस्ट है फिर बाद में आने के बाद जैसे हम आपको स्कूटी ले गए थे एज इट इज़ हमने आपको दे दी तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली बेंगलोर अभी हम यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड क्योंकि हमारी बाय बस है बाय बस से जाएंगे हम लोग तो सबसे पहले हम अपनी स्कूटी वहाँ पर पार्क करेंगे उन्होंने हमसे जो एडवांस लिया था वो हम वापस लेंगे अपना जो हमने अपना आधार कार्ड वोटर आई डी कार्ड मतलब जो भी उन्हें दिया था वो चीज़ वापस लेंगे और ये फाइनली हम लोगों ने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गोवा के सारे व्लॉग्स मतलब सारे ही दो तीन ही थे सो होप आपको व्लॉग अच्छे लगे हो सो ओके प्लीज़ बाय लाइक शेयर एंड